नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग के यहाँ पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी का प्रीवियस एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जो कि आपका सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज का पेपर है, ठीक है, जो कि पेपर वन का हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जो भी आपका केबीसी नैनो किताब है, इस किताब में जो भी आपका आंसर दिया गया उसी को लाइन बाई लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा जीएस पेपर वन का स्वतंत्रता संग्राम का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 होगा, जो कि आपका 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि आपका 53वां से लेकर 55वां बीपीएससी 2012 में पूछा गया था, ठीक है। तो 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह में, तो 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह के बिहार तथा अन्य क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका का मूल्यांकन करें। तो 1857 के विद्रोह का नाम आते ही तो 1857 के विद्रोह का नाम आते ही बाबू कुंवर सिंह का जन्म नाम जो है मन में कौंधता है और एक बूढ़े जंतु अदम्य साहसी एवं उत्साही सेनानी का चित्र उभरता है। बिहार में जमींदारों एवं सामंतों के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई नीति 1857 में विद्रोह में जमींदारों की भूमिका का प्रमुख कारण रहा है। विद्रोहियों के प्रमुख नेता एवं जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह, इनको अंग्रेजों ने दिवालियापन के कगार पर पहुंचा दिया था और इन बातों ने कुंवर सिंह को विद्रोही ने बना दिया। ऐसी स्थिति में जैसे ही 3 रेजिमेंटों के सैनिक दानापुर से आरा पहुंचकर कुंवर सिंह को अपना नेता बनाना चाहा, उन्होंने तुरंत नेतृत्व स्वीकार करते हुए विप्लव आरंभ कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने सैनिकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाकर लगभग 10,000 कर ली और आरा पर अधिकार कर स्वयं को शासक घोषित कर दिया। आरा को मुक्त करवाने के लिए तो आरा को मुक्त करवाने के लिए विलियम टेलर ने कैप्टन डानवर को आगरा भेजा और घमासान युद्ध के बाद कैप्टन डानवर मारा गया, जिससे कुंवर सिंह एवं उनके सैनिकों के हौसले बुलंद हो गए। लेकिन पूना मेजर विंसेंट आयर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने लड़ाई की, जिसमें कुंवर सिंह की हार हुई और उन्हें आरा छोड़ना पड़ा। अंग्रेज आरा को जो है कुंवर सिंह से मुक्त कराने में सफल है। इधर कुंवर सिंह लखनऊ पहुंचे एवं वहां से नाना साहब से मिलने पहुंचे एवं उनके उनके साथ मिलकर कानपुर को जीतने में सहायता की। कानपुर से कुंवर सिंह आजमगढ़ की ओर बढ़े और आजमगढ़ को जीतने में सफलता प्राप्त की। अंग्रेज कुंवर सिंह की वीरता साहस से परेशान हो गए थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने मार्क कीर तथा सर एडवर्ड लुगार्ड को कुंवर सिंह पर दबाव डालने एवं आजमगढ़ को मुक्त कराने के लिए भेजा, ठीक है। लेकिन कुंवर सिंह पुनः अंग्रेजों से दृढ़तापूर्वक लड़े तथा उन्हें हराया, ठीक है। कुंवर सिंह आजमगढ़ से अपने घर जगदीशपुर लौटकर पुनः उसे अपने अधिकार में लेना चाहते थे। कुंवर सिंह एवं कैप्टन ली ग्रांट की सेना में संघर्ष हुआ, ठीक है, जिसमें कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सेना को हराया परंतु खुद भी घायल हो गए। गंगा पार करते समय हाथ में लगी गोली लगी गई, ठीक है। गंगा पार करते समय हाथ में गोली लग गई थी, जिससे उन्होंने काट कर गंगा में फेंक दिया। यह उनके अदम्य साहस एवं सहनशीलता को प्रदर्शित करता है। वे वीर गति को प्राप्त हुए। संघर्ष के क्रम में को उनके भाई अमर सिंह ने आगे बढ़ाया परंतु संघर्ष ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका एवं महारानी विक्टोरिया द्वारा क्षमादान की घोषणा के बाद ही इस क्षेत्र में विद्रोहियों ने हथियार डाले। 1859 तक ब्रिटिश सत्ता की बहाली ने न केवल 1859 तक ब्रिटिश सत्ता की बहाली न केवल बिहार बल्कि सारे देश में हो चुकी थी। लेकिन 1857 के इस महासंग्राम ने सारे देश में एक नई परिस्थिति को जन्म दिया। कंपनी के शासन का अंत हुआ और भारत का शासन इंग्लैंड जो है सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया और इसके अनेक दूरगामी प्रभाव उत्पन्न हुए, जिससे बिहार सहित पूरे देश प्रभावित हुआ। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका जो आंसर है तो दानापुर से सैनिकों के आरा पहुंचने पर कुंवर सिंह ने नेतृत्व स्वीकार करते हुए विद्रोह प्रारंभ कर दिया। स्वयं को आरा का शासक घोषित किया और कैप्टन डेनवर को हराया। विंसेंट डायर के नेतृत्व में अंग्रेज सेना की जीत एवं कुंवर सिंह ने आरा छोड़ा। लखनऊ पहुंचे, जहां अवध के दरबार में उन्हें सम्मान एवं सहयोग मिला। कानपुर एवं आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को हराया और कुछ दिनों के बाद वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कल क्वेश्चन नंबर 41 होगा, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के योगदान का वर्णन कीजिए, ठीक है, जो कि आपका 53वां से 55वां बीपीएससी 2012 में पूछा गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।